बहुजन समाज पार्टी के बबीना विधानसभा प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत ने किया नामांकन। नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। झांसी जनपद की बबीना विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत नन्ना ने अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने COVID-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। जी नामांकन किया, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, चार बार की सीएम रही मुख्यमंत्री जी मायावती जी के, जो कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजना चलाई गई थी, हॉस्पिटल बनाए गए, बैकलॉग खोले गए, भर्तियां की गई, सफाई कर्मचारियों की भर्तियां की गई, इन सब वही मुद्दे हमारे को लेकर के हम जनता के बीच में आए। विधानसभा चुनाव मायावती नहीं लड़ रही है, दशरथ राजपूत कौन से मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? देखिए दशरथ सिंह राजपूत जो मुद्दे लेके जा रहा है वो बहन मायावती जी की योजनाओं को लेके जा रहा है, जो उन्होंने कार्यकारी योजना चलाई है उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब विधानसभा के क्षेत्र का कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा है ही नहीं, उनके टाइम में कोई परेशानी नहीं थी, जो योजना उन्होंने चलाई थी उन्हीं योजनाओं पर हम दोबारा कार्य करेंगे, जो बहन जी बताएंगी और जो समस्या होगी उनको हम समझ रखेंगे, उनका काम कराया जाए। मौजूदा सरकारों ने क्या काम नहीं किया है? जो मौजूदा सरकार ने तो कागज में काम किए हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, जैसे कुछ भी नहीं हुई दिखाई दे रहा है क्षेत्र में। तो क्या माने दशरथ नन्ना से बहन जी भी काम करेंगे? विधानसभा में जाओगे? विधानसभा में जाएंगे, शिक्षा का काम है, सड़क का काम है, हैं गांव के रोजगारों को मजदूरी जो है गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। दशरथ जी समाज की पंचायत हुई है रात के एक आपके समाज की, और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए कहा है, तो कैसे आप समाज के नाम पर? ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर हम विश्वास नहीं रखते, ये सब गलत है। तो समाज का वोट आपके साथ है? पूरा वोट हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव।